समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। उनके जीवन परिचय पर हम नजर डालें तो उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ, तमिलनाडु से वह बिलोंग करते हैं, एजुकेशन उनका वही हुआ। उसके बाद कॉलेज में ही उनको सहायक प्राध्यापक प्रोफेसरशिप मिल गया, टीचर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कराने में, उनकी खूबियों के बारे में बताने में योगदान जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। उससे पहले जो भ्रांतियां थी हमारे देश के प्रति लोगों के मन में, ठीक है, जब से पश्चिमी विचारक आए उन्होंने कहा कि भाई ये भारत देश तो केवल किसका देश है, साधुओं का और सपेरा का। लेकिन हमारी संस्कृति को, हमारे वेद को, निषद को वैज्ञानिक रूप देने में और पूरे विश्व में नाम कराने में सर्वोत्तम यानी महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं को जाता है। और फिर हम आगे बढ़े तो जब भारत देश हमारा स्वतंत्र बना, गणतंत्र के रूप में बना, तो प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी मनोनीत हुए। और दूसरा कार्यकाल में हम देखें तो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को सुशोभित किया, ठीक है, इतना यानी उत्कृष्ट उनका योगदान रहा है। और उनके जन्म दिवस को, चूंकि वो स्वयं अभी वेदिका ने जो प्रस्तुत किया, ठीक है, जो गीत, और उसके पहले हम जो स्टार्ट किए, मेरे ख्याल से चांदनी ने भी उद्धृत किया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साथियों, हम सभी के जीवन में, और प्यारे बच्चों, हम सभी के जीवन में पेरेंट्स के साथ जिस शख्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन को गढ़ने में, वो गुरु ही होते हैं। आज जो आप देख रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर हैं आपके पीछे, आपके साथ, हम चाहते हैं कि आप सभी अपने जीवन में एक खास मुकाम यानी बनाएं, ठीक है। एकेडमिक फील्ड में तो आप अच्छा करें ही, को करिकुलर एक्टिविटीज में, और सर्वप्रथम आप देश के अच्छे नागरिक बने, एक अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर डेवलप हो। और इसीलिए जितना भी हम डांटते भी हैं आपको, तो उस डांट के पीछे प्यार ही छुपा होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं। कुछ विद्यार्थी होंगे इंडीड हमारे आपके बीच में से जो कि ग्रहण करके वो सफलता के शिखर को छुएंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जिनको तलाशने के लिए, तराशने के लिए पता नहीं हमको और क्या क्या मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अपने जीवन को आप सार्थक बनाते हैं। तो हम सभी पूरे शाला परिवार की ओर से आप सभी को आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है कि आप जीवन में नित नए आयाम बढ़े, तरक्की के शिखर को छुए, और जिस भी फील्ड में आपकी खूबियां हैं, जो आपके अंदर जो इनहेरेंट स्किल है, उसे डेवलप करें और अपना जीवन सार्थक करते हुए देश का एक अच्छा नागरिक बने। थैंक यू। Shut up, I don't want to